पहले तो मैं बधाई देता हूँ संजय जी को, दिनेश जी को, दोनों अनुभवी व्यक्ति हैं। इनको जो है ठियोग क्षेत्र में सक्रिय रहें, क्षेत्र की क्या समस्याएं और क्षेत्र को आगे किस तरह से बढ़ाना है, और हमारी जो पूरी टीम है, हमारे जो पूरे चेयरमैन है विक्की जी, वो भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। और मेरा ये मानना है कि सब मिलकर ठेव के विकास के लिए काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। और आप लोग जानते हैं कि मैं रात दिन इस सोच का व्यक्ति हूँ कि मेरे क्षेत्र में, मेरे चुनाव क्षेत्र में किस तरह का विकास हो। हालांकि बीच में थोड़ा कंफ्यूजन रहा, राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जो अनअवॉइडेबल होती है। अब आज फैसला हो गया, पटक शेप हो गया, अब सब चीजें सही होगी और ये सब मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए, ठेव के विकास के लिए काम करेंगे। और क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा सहयोग जो है पूरा जो है हमारी जो ये नवनियुक्त हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इनके साथ रहेगा और सब मिलकर हम जो है क्षेत्र का विकास करेंगे। और बाकी जो और लोग भी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, लोग राजनीति में क्यों आते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि अपने अपने क्षेत्र का हम विकास करें, एक बड़ा मकसद होना चाहिए। तो अगर छोटी मोटी बातें अतीत में रही हों, उन बातों को दरकिनार करके सब लोगों को सुनिश्चित करना है कि ठेव का विकास। पिछले वर्ष हमारा सेब जो है वेट के हिसाब से बिकना शुरू हुआ और यूनिवर्सल कार्ड बहुत बड़ा फैसला है। अब आने वाली जो जनरेशन है उस बात को महसूस करेगी कि कितना फायदा किसानों और बागवानों को होने वाला है। हमारा जो फायर सब स्टेशन था वो भी स्वीकृत हुआ है और भी मंडी का काम भी हुआ है। तो ये सारे काम जो है हुए और ये अभी हमें, हमारी जो मंजिलें हैं वो बहुत आगे हैं, ये तो शुरुआत है।